स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैंने कहा ना भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मतलब कुछ तो जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि वो कुछ क्या है। टिशु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बता भाई, किस लड़की का फोन है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? How dare you cut my phone? संजना, तुम इलेश भैया, चाय टाइम। अरे वाह, ये मिठाई छोटे मामा जी लाए पन्ना दी की खुशी में। ओ, कल तो पन्ना दीदी आ रही है, मैं खुद उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा। क्यों, कॉलेज नहीं है तुम्हारा? अरे हाँ, लेकिन कोई बात नहीं भाभी, कल कॉलेज के बाद मैं उनके घर जाकर उनसे मिल लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वन मिनट। हेलो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम मुझे मिस कर रहे हो ना? मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ? मैंने तुमसे बात करने के लिए तुम्हें फोन किया है और तुम क्यों मुझे भाव ही नहीं दे रहे हो? अच्छा, एक बार बोल दो, तुम मुझे मिस कर रहे हो कि नहीं? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। समझता क्या है अपने आप को? भाभी, ये मिठाई ना मेरी फेवरेट है। अच्छा, खाओ। अरे, किसका फोन है? गर्लफ्रेंड? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। अरे लो, इतनी बार तो गर्लफ्रेंड फोन करती है। मैंने कहा ना भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मतलब कुछ तो जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि वो कुछ क्या है। टिशु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बता भाई, किस लड़की का फोन है? समझते क्या हो अपने आपको? How dare you cut my phone? संजना, तुम इलेश भैया, वो एक्चुअली मैंने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में दीपक को फोन किया था कुछ पूछने के लिए, इसलिए फोन किया था। प्रोजेक्ट के सिलसिले में? अरे क्या संजना, तुमने कबाड़ा कर दिया ना। अरे हम लोग तो ऐसे ही खुश हो रहे थे, हमें लगा कि भाई दीपक भाई साहब की कोई गर्लफ्रेंड होगी जो उसे बार बार फोन कर रही है। क्या, दीपक की गर्लफ्रेंड? नो नो नो, दीपक जैसे बोरिंग लड़के की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने संजना। संजना कह रही कि दीपक जैसे बोरिंग लड़के की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। ये तो लाओ ना, फोन दो ना मुझे। हेलो संजना। अरे भाई, अब तुम ही कुछ करो, कॉलेज में इतनी सारी लड़कियां हैं, एक आध लड़की से तो दीपक की दोस्ती करवाओ। या दीपक है वहां पर? हाँ, अच्छा हेलो, नाउ टेल मी, मुझे मिस कर रहे हो कि नहीं? जल्दी बोलो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। ये क्या है संजना? हाँ बोलो। किसे बातें हो रही है? डैड, वो
दिशा भाभी और रिलेश भैया से। फोन मुझे दो। हेलो। हाँ संजू बोलो। मैं कमल किशोर बाजपाई बोल रहा हूँ, संजू नहीं। अरे अंकल आप अब पाए लगो अंकल, कैसे हैं आप? मैं बस ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? ईश्वर ने कुछ ज्यादा हंगामा तो खड़ा नहीं कर दिया ना? उनका क्या है अंकल, वो तो सांप की तरह हमारे सीने पे बैठे हुए हैं। लेकिन अंकल आज हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे, आज हम सब लोग बहुत खुश है। अंकल आपको पता है मैं मामू बनने वाला हूँ। हाँ, पन्ना दी के घर में बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। क्या बात कर रहे हो, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। Congratulations! और अंकल बताइए कैसे हैं आप? सुहाना का फोन आया था? हाँ फोन आया था, आजकल वो इलेक्ट्रिसिटी बिल काउंटर में जाके भर रही है। Can you imagine? क्या? फिर तो बिजली विभाग की बिजली गुल हुई होगी। ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल है लेकिन उनकी तबीयत अभी तक। कहीं आपका मन भी तो पिघल नहीं रहा ना मामू, अपने बड़े भाई के लिए। बड़े भाभी, ईश्वर भैया के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या चाहती हैं? मैं शरीर छोडूंगी, धक्के धक्के करके बाहर निकालूंगा। भैया को रिश्तों का लिहाज नहीं, मतलब ये नहीं कि हम लोग भी कोई घटिया या छोटी हरकत। देख तू उन पर हाथ नहीं उठाएगा। अरे तेरे पिता है वो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।